जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मसूद दरियाबदी सेड नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ द कुरान हैज बीन चेंज्ड ओवर लास्ट 14 सेंचुरीज द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसमिस द पीआईएल इमीडिएटली नो वर्सेस ऑफ कुरान प्रोवोक पीपल वायलेंस पीपल टू वायलेंस वसीम रिजवी इज कोटिंग द वर्सेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी ये जो पैराग्राफ है ना ये बहुत बड़े लार्जर डिबेट और सवालों का मुद्दा बन सकता है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। माफ करिएगा, पिछली बार मैंने अभी रात में एक पोस्ट क्रिएट किया था कि लाइव आऊंगा लेकिन मैं आ नहीं पाया था किसी कारणवश। आज हम लोग बात करेंगे कि जो वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने कुरान की 26 वर्सेस को हटाने की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। कहना यह है कि इन आयतों की वजह से नफरत पैदा हो रही है कम्युनिटीज में, इन आयतों की वजह से लोग जिहाद करने पे उतारू हो रहे हैं और इन कुछ कारणों की वजह से इन आयतों को हटा दिया जाए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। किसका विरोध आया, क्यों विरोध आया, ये स्टेप लेने पे मजबूर क्यों हुए और क्या ये हटाना ज़रूरी है, क्या कोर्ट हटा सकती है, इसके कुछ लीगल एंगल भी बात करेंगे। मैं बहुत बड़ा कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जिस हद तक मेरी जानकारी है उस हद तक मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा आपके साथ। तो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, नए हम सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। तो क्या थी वसीम रिजवी की पिटीशन, ये मैंने आपको बताया कि 26 आयतें हटानी हैं। क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है? शायद, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉल्ड बाद में जो ऐड हुआ कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है कि आप लोगों की रिलीजियस मुद्दों में उस हद तक नहीं पढ़ेंगे कि कौन क्या प्रैक्टिस फॉलो करे उसको रोकें, लेकिन हाँ उस हद तक पढ़ सकते हैं कि रिलीजियस एक्ट के बहाने आप ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस हद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस पॉसिबल है कुछ हद तक। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी कलकत्ता में, शायद मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किसी ने कहा था कि कुछ आयतें, शायद 24 या 14 ऐसी कुछ आयतें थी, ये हटाई जाएं, तो उसके ऊपर केस हुआ, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसको जब बेल मिलनी थी तो कोर्ट ने बेल देते हुए ये कहा था कि जो उस लड़के ने आयतें कोर्ट की वो कुरान से ली गई हैं, वो कुरान में मैच करती है। इस बिना पे, मतलब उस जजमेंट के बिना पे को भी देखा जा सकता है। जैसे बात है, वकील कोर्ट करते हैं कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो उसको कैसे हैंडल किया गया था, तो उसको बेल इसलिए दे दी गई थी कि जो लिखा है बस वही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, ये हानिकारक है, इस पर बात की जाए, इसको हटाया जाए। यहाँ भी वही हो रहा है। चलिए मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की जो 13 तारीख की न्यूज़ थी वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अ डे आफ्टर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड इन उत्तर प्रदेश वसीम रिजवी फाइल्ड अ पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिमूवल ऑफ 26 वर्सेस फ्रॉम द कुरान। The Mumbai based Raza Academy reached the apex court on Friday with a petition seeking dismissal of the PIL. सबको दिक्कत है, मतलब इनको उन आयतों को हटाने में दिक्कत है जो आयतें हारमनी को बिगाड़ती हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो मौके मौके पे, इवेंट्स पे जो कुछ प्रोटेस्ट होता है, कहीं अपनी मौजूदगी दिखानी होती है, तो यहाँ ये लोग कहने आ जाते हैं कि हमारा कुरान बहुत सेकुलर है, ह्यूमैनिटी के साथ है, एक इंसान को मारना इंसानियत को मारना है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि इसी कुरान में काफिरों का कत्ल जायज़ लिखा गया है, जिसको मन करो, मतलब किलिंग्स के इतने सारे आदेश हैं, वुमेन राइट्स को ख़त्म करने के इतने सारे आदेश हैं, वुमेन की क्या स्टेटस है कुरान में ये सबको पता है, लेकिन ये लोग उन चीज़ों को छुपा लेते हैं और उन चीज़ों को हटाने की जब बात की जा रही है तो ये लोग वहाँ भी खड़े हो जाते हैं, तो ये हिपोक्रेसी इनके ही एक्सपोज हो जाती है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये पाखंडी अगर आपके सामने फिर आ जाएं कुरान और इस्लाम का बोलबाला करने के लिए, तारीफ करने के लिए, तो उनको याद रखिएगा कि लोग वही हैं कि उसमें से बुराई ये लोग हटाना नहीं चाहते। द अकेडमी हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू पास स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रिजवी फॉर हर्टिंग पीपल्स सेंटिमेंट्स। वाह, क्या सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, मतलब आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें पढ़ के आप क्राइम मत करो, इससे तकलीफ किसको हो सकती है, मतलब तकलीफ तो उसी को हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति में हो खून करना, किलिंग करना, जिहाद करना, रिलीजन के नाम पे हर वो गलत काम करना पढ़ पढ़ के,
उसी को तकलीफ हो सकती है कि उसको करने में मजा आता है और उसको करने से रोका जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। तो उन्हीं ऐसे ही लोगों के सेंटीमेंट्स भी हर्ट होंगे। तो या तो आपने सारे मुसलमानों को एक साथ एक झटके में उस कटघरे में खड़ा कर दिया कि सभी रेपिस्ट हैं, सभी जिहादी हैं, सभी किलर्स हैं, ये आप कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे शायद। रिज़वी इन हिज पिटीशन हैज सेड दैट दीज 26 वर्सेस वर एलिजेडली इंसर्टेड बाई 3 कैलिफ्स, अबू बकर, उमर एंड उस्मान। मतलब इनका कहना है कि ये जो आयतें हैं, जो विवादित आयतें हैं, सिर्फ 26 होंगी या और ज़्यादा होंगी। उन्होंने सिर्फ 26 को पॉइंट आउट किया है। ये जो आयतें हैं ये इन तीनों खलीफाओं द्वारा इंसर्ट की गई थी अपने मन मुताबिक, अपना शासन चलाने के लिए। और कुरान को जो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जो लोग इस आइडियोलॉजी को समझते हैं, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की, उनका यही कहना है कि ये कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है टू कैप्चर पावर। समय समय पर जब भी आपको लगा कि ये मेरे अनुसार होना चाहिए, और अगर कुरान से कुरान का हवाला दे दिया जाए, कुरान में लिख दिया जाए, या कह दिया जाए कि अल्लाह ने कह दिया है, तो लोग बात मानेंगे। टू इनलार्ज देयर पावर्स, जो मैं कह रहा था, एंड दैट वर्सेस प्रोवोक वायलेंस एंड इनसाइट पीपल टू जिहाद, द सुप्रीम कोर्ट इज येट टू एडमिट द पिटीशन। ठीक है। द ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उसी का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, एंड मेनी अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैव कंडेम्ड रिज़वी एक्शन। रिज़वी के एक्शन को इन्होंने कंडेम किया है। आगे पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। एंड अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट टू डिसमिस द PIL एज मुस्लिम विल नॉट एक्सेप्ट एनी डिबेट ऑन ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द कुरानिक वर्सेस। अब ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम टॉलरेट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑथेंटिसिटी को, ट्रूथफुलनेस को। देखो, मैं भी मानता हूँ ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ साफ साफ कि जो जो आयतें हैं ये 100% मतलब सही हैं, इनको ऐसे ही फॉलो किया जाना चाहिए, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इनको बदला नहीं जाना चाहिए, और जो लिखा है आपको ज़िंदगी में वही उतारना है, मोहम्मद की पूरी जीवनी को अपने जीवनी में उतारना है। तो मोहम्मद ने तो 50 साल के बाद एक 6 साल की लड़की से शादी की थी, और 3 साल वेट करना पड़ा उसको कि एक एज पे आ जाए, हैप्पी बर्थडे की एज पे या किस एज पे, तब वो सारे संबंध बना सकें। तो उसको भी अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेना फिर, मुझे लगता है, खैर तुम्हें तो मज़ा ही आएगा ये शामिल करने में। Nobody from हज़रत इमाम अली द फर्स्ट इमाम ऑफ शिया टू इमाम हुसैन और एनी अदर इमाम एवर रेज डाउट ओवर द वर्सिटी ऑफ द कुरान वर्सेस। ही इज कोटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ट्राइंग टू स्प्रेड दिस कोड। द सुप्रीम कोर्ट शुड थ्रो आउट द PIL इमीडिएटली। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्सपर्सन मौलाना यसूब अब्बास का ये है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मसूद दरियाबदी सेड नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ द कुरान हैज बीन चेंज्ड ओवर लास्ट 14 सेंचुरीज। द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसमिस द PIL इमीडिएटली। नो वर्सेज ऑफ कुरान प्रोवोक पीपल टू वायलेंस। वसीम रिज़वी इज कोटिंग द वर्सेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत बड़े लार्जर डिबेट और सवालों का मुद्दा बन सकता है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो। इसने कहा कि 14 सेंचुरीज से एक बार भी कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल ही में चाइना में कुछ बदलाव लाए गए हैं, पूरी पूरी किताब में इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ है कि ऐसे रहोगे तो रहोगे, नहीं रहोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाओगे, और सजा तो ऐसी मिलनी है कि पुट्ठे सजा दी जाएंगे। उस विरोध में ना चाइना के मुसलमान कुछ कर पाए, क्योंकि वहाँ वालों की तौकात ही नहीं है, कुत्तों की तरह रखा जा रहा है। लेकिन जो ग्लोबल तुम्हारी कम्युनिटी है उसने क्या उखाड़ लिया, ये कमेंट में बताओ चाइना का, क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि कम्युनिज्म बिना गॉड के इस्लाम ही है, बस अगर अल्लाह ऐड हो जा रहा है तो इस्लाम है, अल्लाह को हटा दो, गॉड का कॉन्सेप्ट हटा दो तो कम्युनिज्म है, इसलिए तुम चू तक नहीं करते, क्योंकि तुम एग्री करते हो जो चाइना कर रहा है वही तुम लोग भी करना चाहते हो ऐसी जगहों पे जैसे तुम्हारा शासन बढ़ जाए। मेरे शब्द रूढ़ हो सकते हैं, लेकिन इसका अगर जवाब अगर ना दे पाओ और मुझे भक्त संगी भाजपाई प्रोवोक करने वाला अब्यूज करने वाला कुछ भी बोल के अगर टाल जाओगे, इसमें तुम्हारी हार है। जवाब देके जाना कि चाइना का क्या कर पाए, उसने तो करके दिखा दिया। रही बात सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ये आगे देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ। एक्टिविस्ट अब्बास काजमी सेड वसीम रिज़वी हैज डन इट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी। नो शिया हैज एवर सेड दैट देयर वॉज एनी इंटरपोलेशन इन द कुरान। वी बिलीव इट इज अ रिवील्ड बुक, सेड काजमी।
तो मतलब ये कहना चाहते हैं अब्बास काजमी साहब कि वसीम रिजवी इस हरकत से शिया सुन्नी में लड़ाई पैदा हो सकती है और उस वजह से ही उस लिए ही ये करवा रहे हैं। तो मतलब अभी तक तो शिया और सुन्नी में इतनी मित्रता है कि मतलब जितनी भी शिया सुन्नी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं मिडल ईस्ट में, वो तो ऐसे ही लड़ रही हैं। या वहाँ भी वसीम रिजवी पहुँच चुके हैं इन्हीं सब रिक्वेस्ट के साथ। जितनी चीज़ों को वहाँ हटा दिया गया है, बुरखे को हटा देना, वुमेन को राइट्स देना तमाम जगहों पे, शरिया को हटा देना, कई जगहों पे है अभी भी, बुरे बुरे हालात में है, लेकिन कई जगह पे नहीं है, तो वो इस्लामिक कंट्री होके कर सकते हैं। और यहाँ सेकुलर कंट्री होके भी हम इस पर बात तक नहीं कर सकते कि कुरान में क्या गलत है क्या सही। इस वीडियो में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वसीम रिजवी के इस स्टेप के साथ फर्मली खड़ा हूँ, उनका सपोर्ट होना चाहिए। उनके इस स्टेप की वजह से मुसलमान मुसलमान के आपस की लड़ाई का तो मुझे नहीं पता। अगर ये स्टेप लिया गया, कुरान की उन आयतों को हटा दिया गया, बुक रीप्रिंट की गई, वो आयतें गायब हो गई और उनको फिर से रिफ्रेश करके पढ़ाया गया, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आतंकवादी बनना बंद हो जाएंगे ना के बराबर। हेटरेड जो दो कम्युनिटीज़ में है, जो बचपन से उन्हें पढ़ाई जाती है कि काफिर को मारो, काफिर कौन है, देखते ही मारो, दोस्ती करना हराम है, काफिर से शादी नहीं कर सकते, तो अगर जब तक अल्लाह ईमान ना लाए तो शादी भी मत करो वगैरह वगैरह, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो जब तक ये सब उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, उनके अंदर हेटरेड आएगी कैसे, वो जिहादी बनेंगे कैसे? और जो जन्नत जाने की जो जल्दी होती है कि जिंदा हो तो ये ज़िंदगी वेस्ट है, जल्दी से कुछ ऐसा काम करो कि जन्नत में जाने का मौका मिल जाए, तो मरने के लिए बेताब रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको जन्नत में जाने की इतनी जल्दी है तो इंतज़ार क्यों करना, आज ही चले जाओ, अभी चले जाओ। लेकिन क्योंकि उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि जाना ही है तो अपने आप को इस माहौल में ले जाओ, अपने आप को ब्लास्ट करके चले जाओ, मतलब सवाब मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो लीगल एस्पेक्ट वाली बात में कर रहा था कि उन्होंने कहा ये हट जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हटा दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसी बुक में क्या लिखा है ये अगर कानून तय करने लग गया, हटाने लग गया, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कह भी दिया गया कि हाँ इन आयतों को कुरान में ना पढ़ाया जाए, कुरान के द्वारा बच्चों को मदरसे में ना पढ़ाया जाए, ये अगर आदेश आ भी गया तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इंश्योर करना पड़ेगा जो मैंने पहले बोला कि बुक को रीप्रिंट कराया जाए और वही बुकें पढ़ाई जाएँ, वो बुकें ना पढ़ाई जाए जिनमें वो आयतें लिखी हुई। तीसरा ये कि वसीम रिजवी पे जिस तरीके के फतवे आ रहे हैं, जिस तरीके के यू नो वीडियोस आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, 11 लाख, इतने लाख, उतने लाख सर काटने के, देखो आप लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। और दूसरी चीज़, संविधानिक देश में अगर कुरान के ऊपर संविधान लागू नहीं हो सकता, तो संविधान के होते हुए कुरान को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले अपने कानून कैसे चला सकते हैं? अपने शरिया के हिसाब से ये फतवे देना, किलिंग के आदेश देना, उस पर इनाम चढ़ा देना, सर काट के ले आओ इनाम देंगे, तो मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मरवाना चाहता है, नफरत तो पहले से ही है। एक चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती, एक डिबेट आपको बर्दाश्त नहीं होती, आप सबके ऊपर सारे आरोप लगाने को तैयार हैं, आप सारे देवी देवताओं को झूठ झुठलाने को तैयार हैं, आपको गणेश जी के हाथी के सर होने पे भी डाउट है, उस पे भी डिबेट आपको चाहिए, आप शिव पार्वती विष्णु सबको अब्यूज़ करते हैं, सब में तर्क करते हैं, आपको दूसरों के मुद्दे में बहुत दखल देनी, लेकिन आपके मुद्दे में कोई बात भी नहीं कर सकता, ये अलाउड ही नहीं है, सवाल करने वाले को ही मार दो। ये भारत है, यहाँ जो तर्क करके जीतता है ना उसकी जीत तलवार वाले से भी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। तो अगर भारत की सभ्यता में, भारत के कल्चर में भारतीय बन के रहना है तो वैसे रहिए, अपनी शरिया, अपना कुरान, अपना इस्लाम अपने घर तक रखिए। क्योंकि हम अगर भगवत गीता, रामायण, महाभारत इन सब फिलोसफीज पे एकदम एक्सट्रीमली चलने लग गए और धर्म स्थापित, धर्म इन द सेंस रिलीजन नहीं, धर्म सही चीज़, सत्य ट्रूथ, इसको इस्टेब्लिश करने लग गए, तो माफ़ करिएगा कि जिस फिलोसफी से आप चल रहे हैं उस फिलोसफी को जड़ से ख़त्म करने की एक मुहिम छेड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है आज की डेट में समाज में। मैं बहुत नॉर्मली एक डिबेट की तरह बात करना चाहता हूँ आपसे, आप कमेंट करिए, इस पर बात करिए, बात विवाद करिए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। खैर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी होगी, हो सकता है लाइव आएंगे तो लाइव मिलेंगे, कोई नया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। किसी तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, करिए, वीडियो को शेयर करिए, वसीम रिजवी का सपोर्ट करिए। अगर ये सफल हो गया मुहिम, मुझे नहीं लगता किस हद तक सफल होगा, लेकिन कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, कुछ तो पता चलेगा, सपोर्ट करिए, वो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।